Let's learn how to balance a chemical equation. Step number one write down the given chemical equation. फॉर एग्जाम्पल मिथेन रियक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टेप नंबर टू रिएक्टेंट वाली साइड पर जो जो एटम्स हैं उनको राइट कर लें और जो एटम जितनी बार आया है वो भी साथ राइट कर लें बिल्कुल इसी तरह से प्रोडक्ट वाली साइड पर जो एटम्स आए हैं उनको राइट कर लें और जो एटम जितनी बार आया है ये भी राइट कर लें मिथेन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स देर इज वन कार्बन एटम Four hydrogen atoms and two oxygen atoms. While carbon dioxide and water are products, there is one carbon atom, two hydrogen atoms and three oxygen atoms. Step number three and four. the chemical equation balance can carbon atom बैलेंस करते हैं इसके बाद हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस किए जाते हैं एक ट्रिक ये भी है कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स बैलेंस करने वाले पड़े हैं तो सबसे पहले आप उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जो रिएक्टेंट वाली साइड पर जस्ट एक ही मॉलिक्यूल में हो और प्रोडक्ट वाली साइड पर भी सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में हो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम कॉफिशियन यूज करते हैं कॉफिशियन एक्चुअली कोई भी नंबर होता है जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए किसी भी फॉर्मूले से पहले पुट किया जाता है और ये कॉफिशियन इस फॉर्मू में हर एटम से मल्टीप्लाई होता है जैसा कि सोडियम बाई कार्बोनेट एनआई सी से पहले टू कॉफिशेंट है इट मीन देर आर टू एटम्स ऑफ सोडियम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन एंड सिक्स ऑफ ऑक्सीजन स्टेप नंबर सिक्स कार्बन के बाद हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस किए जाते हैं जैसा कि इस इक्वेशन में कार्बन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पर एक एक ही बार आया हुआ है जबकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड पर चार बार आया हुआ है जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पर दो बार आया हुआ है प्रोडक्ट वाली साइड पर हाइड्रोजन एटम्स कम है इसलिए यहाँ पे हम कोई कॉफिशेंट पुट करके हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे यहां पे अगर हम टू पुट करते हैं वाटर से पहले तो ये दोनों साइड पे बैलेंस हो जाता है स्टेप नंबर सेवन अब हम ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन एटम जस्ट टू बार आए हुए हैं जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे तीन बार आए हुए हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन एटम्स कम हैं इसलिए हम यहाँ पे इसको कोई कॉफिशेंट पुट करके बैलेंस करेंगे अगर हम ऑक्सीजन एटम से पहले टू पुट कर देते हैं तो ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे बैलेंस हो जाते हैं नाउ यू कैन सी दैट जो एटम रिएक्टेंट वाली साइड पे जितनी बार आया हुआ है वो एटम प्रोडक्ट वाली साइड पर भी उतनी ही बार आया हुआ है सो दिस इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है देन सब्सक्राइब माई चैनल टेक केयर एंड बाय